तो आइए इस कॉन्सेप्ट की समरी को देख लेते हैं। हमने ये पढ़ा कि बैक्टीरिया इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और किंगडम मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया ही मिलते हैं। हमने ये पढ़ा कि बैक्टीरिया को उनकी शेप के बेसिस पे चार कैटेगरीज में बांटा जाता है। कॉकस होते हैं गोल, बैसिलस होते हैं रॉड शेप के, विब्रियम होते हैं कॉमन शेप के और स्पाइरलम होते हैं घुमावदार। हमने आगे पढ़ा कि आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कठोर परिस्थितियों में रह लेते हैं क्योंकि उनकी सेल वॉल जो होती है वो अलग होती है। हमने फिर आर्की बैक्टीरिया की टाइप्स के बारे में जाना। हेलोफाइल्स जो होते हैं वो सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स गर्म जगहों पर रहते हैं और मिथेनोजेंस रहते हैं कीचड़ वाली जगहों पर यानी मार्शी एरियाज में। क्लास अब आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज करिए और इन सबके नोट्स बना लीजिए। क्लास हमने आगे देखा कि यू बैक्टीरिया के पास एक कठोर सेल वॉल होती है और मूवमेंट के लिए फ्लैजेला होता है। क्लास फिर हमने साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ा कि वो यूनिसेलुलर होते हैं, फ्रेश वाटर या मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल ए होता है। हमने फिर ये जाना कि साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनीज के चारों तरफ एक चिपचिपा सा शीत होता है और कुछ साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं हेटरोसिस्ट के हेल्प से। क्लास फिर हमने हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में जाना कि वो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं और दही बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में और नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमने माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा कि वो सबसे छोटे लिविंग सेल्स हैं, वो डिजीजेस कॉज करते हैं और उनके पास सेल वॉल नहीं होती। क्लास अब आप वीडियो को फिर से पॉज करिए और इन सबके नोट्स बना लीजिए। क्लास इस कॉन्सेप्ट के रेफरेंस क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2 और वर्कबुक का क्वेश्चन 1, 7 और 8।